जिस तरह से आपने थोड़ा सा अलर्ट जारी किया कि 25 के बाद थोड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अप्रोच है, कितने आसार हैं बारिश और बर्फबारी के, और अभी तक की अगर बात करें तो कितना कम चल रही हैं बारिशें और क्या संभावनाएं लग रही हैं सप्ताह भर की? देखिए पिछले 24 घंटे की बात करें तो देखिए वेदर मेनली ड्राई रहा है, और फॉग की बात करें देखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन का जो बद्दी एरिया है, सिरमौर का धौलक मैरी, वहाँ पे डेंस टू मॉडरेट फॉग रिपोर्ट की गई है। साथ ही देखिए ऊना और जो कांगड़ा का एरिया है जो इंदौरा फतेहपुर, वहाँ पे कोल्ड वेव की कंडीशन भी रिपोर्ट की गई है, जहाँ तापमान 4 डिग्री से कम है अर्ली मॉर्निंग का। और साथ में देखिए जो पालनपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर में ना अर्ली मॉर्निंग में फ्रॉस्ट भी रिपोर्ट की गई है। और आगामी 5-6 दिनों की बात करें देखिए आज और कल में 23-24 तारीख को प्रदेश में मौसम मेनली ड्राई रहने की संभावना है। और साथ ही जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, सिरमौर का प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में डेंस फॉग होने की संभावना है। साथ ही ऊना और कांगड़ा का जो प्लेन का एरिया है एडजॉइनिंग पंजाब, वहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन होने की संभावना है आगामी 48 घंटों के लिए। फिर देखिए 25-26, 27 तारीख को जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, यहाँ पे हल्की हाई रिचेज में स्नोफॉल होने की संभावना है। फिर 28-29 को थोड़ी जो रेनफॉल एक्टिविटी है जो हमारे मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मंडी है, शिमला है, सिरमौर है, कांगड़ा, यहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है। तो अगर पूरे देखिए आगामी हफ्ते भर की बात करें तो 48 घंटे तो मेरी ड्राई वेदर है, फिर 25-26-27 को थोड़ी हल्की जो हाई रिचेज में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। फिर 28-29 को जो हमारे बीच क्षेत्र हैं वहाँ पर भी थोड़ी रेनफॉल होने की संभावना है, बट लाइट टू मॉडरेट की है अभी तक जो अपडेट्स हैं। शिमला की अगर बात करें शिमला में है सर बर्फबारी का पड़ने, क्योंकि काफ़ी लोग जो है उम्मीद लगा के शिमला की तरफ आते हैं, क्या है सर शिमला के? देखिए अभी देखिए 28 तारीख तक अभी तक सिटी में कोई संभावना नहीं है ऐसी ऐसा कि स्नोफॉल हो, क्योंकि देखिए अभी ऐसा कोई इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम अप्रोच नहीं कर रहा है प्रदेश को। जो ये एक्टिविटी होगी जो 25 से जो हम बता रहे हैं ये केवल जो ऊपरी क्षेत्र हैं चंबा हो गया, कांगड़ा के जो ऊपरी क्षेत्र हैं लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, यहाँ पे ही हायर में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। कितनी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है सर, क्या हल्की ही बर्फबारी होने की संभावना है या थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा बर्फबारी? देखिए अभी जो देखिए 28 तक जो हम बात कर रहे हैं उसमें अभी हल्की होने की संभावना है, उसके बाद जैसे ही अगर कोई ऐसी अपडेट होगी 29 के बाद तो हम जारी करेंगे। और सर टेम्परेचर की अगर बात करें तो अभी तक किस तरह के टेम्परेचर चल रहे हैं, क्या नॉर्मल है या नॉर्मल से कम ज़्यादा है, क्या है? देखिए ओवरऑल बात करें पूरे प्रदेश की तो जो अर्ली मॉर्निंग है मिनिमम टेम्परेचर वो भी सामान्य चल रहे हैं और डे टेम्परेचर भी अब सामान्य चल रहे हैं, हालांकि वो कुछ दिन पहले सामान्य से अधिक थे पूरे प्रदेश में ही। और कुछ एक एरिया जैसे सुंदरनगर है, भुंतर, मंडी है, कल्पा, नारकंडा है, यहाँ पे 0 या 0 से कम तापमान है अर्ली मॉर्निंग के। और जो प्लेन के एरिया है वहाँ पे देखिए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फॉग हो रही है तो वहाँ पे न्यूनतम तापमान हालांकि थोड़े सामान्य से कम रहने की संभावना है, पर पूरे प्रदेश में ओवरऑल अभी सामान्य चल रहे हैं। सर धुंध और कोल्ड वेव का भी अलर्ट है? हाँ बिल्कुल, अगले 48 घंटों में जो हमारे मैंने कहा प्लेन के एरिया जो एडजॉइनिंग पंजाब के आसपास है, स्पेशली कांगड़ा के जो नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर एरिया है, ऊना का स्पेशली जो है, और इवन जो सोलन का जो बद्दी एरिया है और सिरमौर का जो धौलागुआ के जो एरिया, वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में मतलब लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में डेंस टू मॉडरेट फॉग होने की संभावना है। साथ ही इन्हीं क्षेत्रों में मतलब अर्ली मॉर्निंग में कोल्ड वेव कंडीशन होने की संभावना रहेगी अगले 48 घंटों के लिए। अभी तक सर ड्राई स्पेल चल रहा है दिसंबर और जनवरी में, क्या कुछ आंकड़े भी आपके पास अगर अवेलेबल हैं कि कितना कम अभी तक जो है बारिश में और बर्फबारी मध्य प्रदेश में? देखिए जो अगर पूरे जनवरी मंथ की अभी तक बात करें तो ऑलमोस्ट 100% कम बारिश, मतलब बारिश ना के बराबर हुई है, केवल 0.1 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जहाँ की सामान्य 56 के आसपास होती थी। तो पूरे प्रदेश में अभी मतलब कि इसमें ड्राई स्पेल चला हुआ है जनवरी में, और इससे पहले दिसंबर में भी मतलब सामान्य से काफ़ी कम थी, 85% थी। तो अभी ओवरऑल देखिए अभी ड्राई स्पेल की स्थिति बनी हुई है प्रदेश में। जिस तरह से सर ये ड्राई स्पेल चल रहा है क्या लग रहा है अगर आप बता पाएं अगले महीने या फरवरी या मार्च तक कहीं वेदर शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, आगे को शिफ्ट हो रहा है, आगे हमारे को बर्फबारी या ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी? देखिए अभी देखिए जो हमारे पास जो अपडेट्स अवेलेबल हैं जैसे 28 तक जैसे अवेलेबल है तो उसमें केवल देखिए 25-26-27 को जो ऊपरी क्षेत्र वहाँ पे होगी, फिर 28-29 थोड़ी रेनफॉल एक्टिविटी जो हमारे मिडिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ होने की संभावना है। फिर जैसे ही हम मतलब अपडेट्स आएंगे 29 के बाद हम यहाँ से जारी करेंगे।